चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की बात की जाए तो सरकारी बैंकों के साथ 95,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। जी हाँ, ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 की अवधि में 95,760.49 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 5,743 मामले दर्ज किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 3.38 लाख निष्क्रिय कंपनियों ने बैंक खातों पर रोक लगाने सहित बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए जाने के बाद बैंक के 78% जमाकर्ता अपने खाते की पूरी राशि निकाल सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।